हेलो दोस्तों, येलो फूड कॉर्नर में आज बन रही है भिंडी की एक बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी। दोस्तों, भिंडी आपने अलग अलग तरीके से बहुत बार बनाई होगी, मगर आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ना, वो बिल्कुल यूनिक है बनाने में भी और खाने में भी। तो चलिए दोस्तों, छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि भिंडी की ये बिल्कुल यूनिक सी बनने वाली सब्जी को आप कैसे इजीली बना सकते हैं, और ना ये भरवा भिंडी है ना ये मसाला भिंडी है, तो ये है क्या। तो चलिए इस सस्पेंस को करते हैं दूर और फटाफट बनाते हैं भिंडी की चटपटी मसालेदार दिखने वाली ये बहुत ही टेस्टी सब्जी। दोस्तों, इस भिंडी की सब्जी में हम डालेंगे सोया चंक्स का ट्विस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल भीगा हुआ सोया चंक्स ले लिया है, बड़े बड़े पीसेस में प्याज को काट लिया है, और इसी तरीके से भिंडी को भी बड़े बड़े पीसेस में काट के हम ले लेंगे। दोस्तों, इस सब्जी को बनाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी और सिंपल मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा और 1/2 चम्मच साबुत सौंफ। तो इन तीनों को मैं रोस्ट करूँगी और मिक्सी में बारीक पीस लूँगी। दोस्तों, पीसने से पहले ना इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद पीसिएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है और ये मसाला हो गया है तैयार। दोस्तों, अब हम भीगे हुए सोया चंक्स को ले लेंगे और इसे भी मिक्सी में पीस लेंगे। दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि सोया चंक्स को हमेशा भिगाने के बाद ही आप पीसिएगा। अगर आप उसे साबुत पीस देंगे तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो वो हमें इस तरीके फॉर्म में चाहिए। तो अब चलते हैं दोस्तों भिंडी की सब्जी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में 2 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल ले लिया है, और अब सबसे पहले हमने जो ये बड़े बड़े पीसेस में प्याज को कट करा था ना, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ना, वैसे ही हमें अपने प्याज को साइड कर लेना है, और बचे हुई जो जगह है ऑयल है उसमें हमें अपनी भिंडी को फ्राई कर लेना है। दोस्तों, आप चाहें तो ना दोनों को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा फ्राई पैन है उसमें अच्छी खासी जगह थी, तो मैंने दोनों को एक साथ ही इस तरीके से बारी बारी से फ्राई कर लिया है। जब दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, और अब हम इस नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, लगभग 3 से 5 मिनट के लिए मैं इसको लीड लगा रही हूँ, और ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएँ। दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए लो फ्लेम में मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सिकने के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, अभी तक लाइट थी तो मैंने इंडक्शन में ये सब्जी बनाई थी, लेकिन अब लाइट चली गई है तो मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, तो बात बस इतनी सी है। दोस्तों, भिंडी और प्याज को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है, और उसी फ्राई पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया, और उसके बाद उसमें लाल मिर्ची, जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना, उसका मैंने यहाँ पर तड़का लगाया है, और उसके बाद जो हमने सोया चंक्स रखे थे पीस के, उसको यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ना एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको आपने बिल्कुल कुरकुरा बनाना है, इसको इतना फ्राई कीजिएगा कि इसका जो सारा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों, इसको फ्राई करते करते ही हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1/4 लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और उसके बाद जो मैंने रोस्टेड मसाला तैयार किया था उसे भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद सब चीज़ों को मिक्स करने पर मैं यहाँ पर भिंडी और प्याज जो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था उसे भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हमें करना सिर्फ इतना है कि इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। दोस्तों, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसमें मैं लीड लगा रही हूँ, और ये देखिए दोस्तों, 1 से 2 मिनट बाद ये सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडियंस बच्चों की भिंडी ना फेवरेट होती है, लेकिन अगर उसे इस तरीके से हेल्दी और न्यू स्टाइल में बना के आप उनके सामने परोसेंगे ना, तो उनको ये बहुत पसंद आएगी। और वैसे भी दोस्तों, ये सब्जी ऐसी है कि आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच में, डिनर में, कभी भी इसको आप सर्व कर सकते हैं, ये हर टाइम सबकी फेवरेट रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये देखने में कितनी मसालेदार और कितनी तीखी और चटपटी लग रही है, लेकिन खाने में ये कितनी हेल्दी है, ये आपको रेसिपी देखते देखते समझ में आ गया होगा। तो
तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की भिंडी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की बढ़िया टेस्टी और हेल्दी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं मिलूँगी आपको एक और इसी तरीके की मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तो तब तक लेती हूँ आप सभी से विदा, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बाय बाय।